हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये बाइक, इसका जो स्पीडोमीटर है वो खराब हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे बदलवाते हैं, कैसे ठीक करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मीटर पूरी तरह से बंद है। तो दोस्तों, सबसे पहले खोलते हैं इसके आगे वाला व्हील। अब निकालते हैं पुरानी केबल और उसके बाद में निकालते हैं ब्रेक केबल। अब एक्सल को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्म किट। और दोस्तों, ये किट ओरिजिनल कंपनी का है। तो दोस्तों, अब लगाएंगे इन दोनों में नया वाला ग्रीस। तो दोस्तों, अब खोलेंगे इसका मास्क। तो दोस्तों, अब निकालेंगे इसकी पुरानी केबल। ये है दोस्तों इसकी पुरानी केबल और ये है दोस्तों इसकी नई केबल। तो दोस्तों, इसके वायर को निकालकर इसमें भरेंगे ऑयल। फिर से इस केबल को डालेंगे इसके अंदर। और दोस्तों, अब लगाएंगे इसमें नई केबल। अब दोस्तों, वापिस इसका मास्क फिट करेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर का पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों इसमें जो वर्म सेट लगा है वह मुझे मिला है 75 रुपए का, और दोस्तों इसमें जो केबल लगी है वह मुझे मिली है 100 रुपए की, और दोस्तों यह सब आइटम मैंने मिस्त्री से ही लिए हैं, और दोस्तों मिस्त्री ने इसमें अपनी मजदूरी लगाकर मेरे से लिए हैं 250 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 250 रुपए में मीटर का पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।